देखो जिहड़ा बयान दिता गया मैं उहदे बारे करना चाहुंदा कानून आ कहिंदा कि जे किसी का हुण दिल्ली च कतलेआम होए 84 दे अंदर कतलेआम हो कानून की कहिंदा कि वह दोषियों नूं फड़िया जाए तो दोषियों नूं अंदर किया जाए लखां लोग मारे गए हले तक कोई भी बंदा फड़िया नहीं गया हर रोज़ ऐ जे घटना हो रही है अपने गुरु घर से हमले हो रहे हैं जिहड़ी आ गल कर रहे असी कर रहे हैं असी इंसाफ की ह्यूमन राइट की गल कर रहे हैं जिन्ह ने उस समय च आके इमोशनल होके लोगों ने क्योंकि दरबार साहब पर हमला किया गया हज़ार लखां भैन भरावां ते नूं कतल किया गया अपने अपने प्यो माँ सामने मारे गए उन्हां च एक इमोशन जागे यार दरबार साहब पर हमला हो गया तो इमोशन तो जागने जागने तो जो इमोशन जाग गए तो लोगों ने कदम चुके वो जो लोग है वो कह रहे असी कदम चुके है असी उहदियां सज़ा भी पूरी कर लिया जे कोई इत्थे कतल की सज़ा उम्र कैद है उम्र कैद जो अपने पंजाब है 15 साल है इत्थे तो 28 साल हो गए सो आज अपने इंसाफ की गल कर रहे हैं असी जो गल कर रहे हैं असी ह्यूमन राइट्स की गल कर रहे हैं इंसाफ की गल कर रहे हैं भाव एंड कौम की भावना की काम कर रहे हैं ऐ नहीं हो सकता कि इंदिरा अपना राजीव गांधी के कातल वो तो देश का प्रधानमंत्री सी उन्हें तो छड़ दिता जाता है तो इतने जिन्होंने सज़ा कट ली जिन्होंने 28 साल सज़ा कट ली काल कोठी रखी सज़ा उन्होंने नहीं किया तो इस करके मैं देश के प्रधानमंत्री को बेनती करना कि आ भावना सब कौम की समझन तो भावना समझ के ही फैसला लिता जाए फॉर एग्जाम्पल मैं दिता कई बार आप नैशनल हाईवे ब्लॉक कर लें नैशनल हाईवे लोग इमोशन आ जाते कुछ हादसा होता नैशनल हाईवे ब्लॉक कर लें ब्लॉक करने का मतलब तुम परचा होगा आपा परचा नहीं देंगे सरकार नहीं दी परचा क्यों वो देखते हैं कि हालात देखते हैं कि इमोशंस करके होया है इस करके वो नहीं देंगे तो इस करके मैं बेनती करना चाहना उन्होंने कि सिख कौम की भावना समझ के फैसला कर परंतु हुण तां साहब ने थले कमेटी बनी है वो अपने जो कमेटी फैसला करती रहेगी सही टाइम पर जो वो जिस तरफ फैसला करेगी या जो आदेश देगी असी वो।